सर, आपने जो हमारे साथ पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही कर्नाटक में, उनके प्रवक्ताओं को आपने सुना, नेताओं को आपने सुना, वैसे में एज एन पत्रकार, एज एन जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर क्या होने वाला है? क्योंकि चुनाव प्रचार थम गया है, गेम चेंजर अगर हम कहेंगे, अगर 13 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा हो गया और हम लोगों ने उस दिन बातचीत की, तो ऐसा रहेगा कि नहीं, ये वाला जो मूवमेंट था, ये जो चुनावी रैली रही उस दिन की और भाषण रहा, या ये मुद्दा जो रहा मैनिफेस्टो में, ये गेम चेंजर का काम कर गया बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्या होने वाला है? थोड़ा तेज बोलेंगे सर, थोड़ा तेज बोलिएगा आप। प्रीति जी, मुझे लगता है, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगा अगर जो है कि जो नाराजगी लिंगायत समाज में है, वो लिंगायत समाज जो भारतीय जनता पार्टी को बहुसंख्या में वोट देता रहा है, हाँ, अगर नाराजगी जो है वो कांग्रेस के प्रति समर्थन में बदल जाती है और जिसकी संभावना बहुत कुछ दिखाई दे रही है, तो ये गेम चेंजर हो जाएगा और भाजपा के लिए तो भी सीटें लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट लाती रही है, 1-1.5 दशमलव से के लगभग ज्यादा लाती रही, लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो ज्यादा घना प्रभाव है इलाकों में, जहाँ प्रभाव है तो ज्यादा सीटें उनकी आ जाती हैं। लेकिन अगर लिंगायत समाज जो है उनसे खिसक जाता है, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है येदुरप्पा के अपमान को लेके भी, उसके बाद आपने देखिए ईश्वरप्पा भी जो है कि जो इनके हिंदुत्व के जो है एक आइकन है, कह सकते हैं, जिनके वो बैंक अकाउंट करते हैं, वो भी नाराज है और वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा जो है कि सत्तार जो है वो बहुत बड़े नेता जो है लिंगायत के, वो चले गए हैं कांग्रेस में। तो ये तमाम सेक्टर, तो मुझे लगता है अगर कोई जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर सकता है तो वो है लिंगायत समुदाय जो है वो, और दूसरा दलित समुदाय। तो दलित समुदाय में जो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रही है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दलितों के जो है इस समय जो है कि वहाँ के जो खड़गे जो हैं वो एक दलित नेता हैं, वो कर्नाटक से आते हैं और जो जिस तरह के भाषण वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं दलित समुदाय में ये दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई है जो है कि ऊपर की जातियों को चुनौती दे सकता है दलित। ठीक है, ये तमाम कारण है जिसकी वजह से, और कांग्रेस ने जिस तरह की गारंटी दी है वो सब दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जाति समूह का शिफ्ट होना ये गेम चेंजर होगा। आप कह रहे जाति समूह का बड़े लेवल पे शिफ्ट होना ये गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर बोल रहे हैं आप।